ये जेजेपी ने जो टिकट दी है ये राहुल मक्कड़ को दी है या पूर्व विधायक अमेचंद मक्कड़ के पोते को टिकट दी है, किसको टिकट दी है? देखिए जेजेपी ने कॉम्बिनेशन टिकट बना करके दी है। हांसी में हुआ ही क्या है, सब कुछ होने वाला है अभी, अब बदलाव तो आप अब देखेंगे। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो तीन बार तो फिर आपके दादाजी विधायक रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप कंपेयर कर रहे हैं उन तीन सालों को, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दोनों दुष्यंत चौटाला के साथ है, वो भरपूर मात्रा में है, जिससे कि जेजेपी पार्टी को बहुत मजबूती मिल रही है। बीजेपी जो है आज कहती है कि हम ईमानदार की सरकार, हम बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सर्वेश जी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कभी ईमानदारी का काम भी कर सकती है, आगे करेगी। टिकट मांगने आप भी गए थे, कहते हैं लोग बीजेपी की। नहीं देखिए, रूमर्स रहते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त हैं राहुल मक्कड़। राहुल मक्कड़ को जेजेपी ने हांसी से अपना प्रत्याशी बनाया है और कल यानी कि 4 अक्टूबर को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनसे बात करते हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपको बधाई, आपको टिकट मिली जेजेपी। बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। ये कौन सा चुनाव आपका, इससे पहले कोई पंच सरपंच MC को चुनाव लड़ा आपने? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है विधानसभा का। मैं आज अपने दादाजी की जो जिस प्रकार उन्होंने सेवा करी, जो विरासत वो मुझे दे के गई, तो उसको मैं उसी प्रकार से पूरा निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जेजेपी ने जो टिकट दी है ये राहुल मक्कड़ को दी है या पूर्व विधायक अमेचंद मक्कड़ के पोते को टिकट दी है, किसको टिकट दी है? देखिए जेजेपी ने कॉम्बिनेशन टिकट बना करके दी है। मक्कड़ साहब का तो नाम जरूर है ही है मेरे साथ में, लेकिन एक युवा जोश और नई सोच को भी टिकट दी है। हांसी के लिए आपके क्या ख्याल आते हैं, आपके दिमाग में आप क्या करेंगे कुछ बनते हैं तो? हांसी में हुआ ही क्या है, सब कुछ होने वाला है अभी, अब बदलाव तो आप अब देखेंगे। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो तीन बार तो फिर आपके दादाजी विधायक रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप कंपेयर कर रहे हैं उन तीन सालों को और उसके बाद के जो 15 सालों को, उन तीन सालों को कंपेयर कीजिए जो हांसी में जो विकास कार्य हुए, चाहे वो बच्चों की शिक्षा का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या बस स्टैंड का हो, ITI का हो, कुछ भी बड़े से बड़ा कोई भी चीज़ हो, और चाहे वाटर टैंक की बात करें, सब उन्हीं की देन है। हांसी में उन जनता ने उनको सेवा करने का मौका दिया तो उन्होंने उसी प्रकार से जनता को वापस करने का भी काम किया। तो आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में जब इनेलो से दो पार्टियां निकल गई, एक इनेलो से JJP आ गई, 2-1 हो गया हिस्सा, तो क्या सर्वाइव कर पाएगी JJP? क्यों नहीं, आज आप देखिए कि हाँ, पूरे हरियाणा की जनता जो है दुष्यंत चौटाला के साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल का जो लगभग कैडर है और जो सब युवा साथी और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दोनों दुष्यंत चौटाला के साथ है, वो भरपूर मात्रा में है, जिससे कि जेजेपी पार्टी को बहुत मजबूती मिल रही है। तो कंपटीशन किससे मानते हैं, बीजेपी की टिकट विनोद भैना के पास है, कांग्रेस की टिकट ओम प्रकाश पंघाल के पास है, JJP की आप ले आए, तो ऐसे में कंपटीशन किससे मानते हैं? देखिए आज कंपटीशन तो कहीं रह ही नहीं गया मुझे नहीं लगता। जब एक ईमानदार परिवार जो सदा जनता के बीच रहता आया है, आज वो परिवार, उनका अपना परिवार जो हमेशा जिन्होंने अपने दिल से लगा के रखा है जिस परिवार को, आज उनके सामने वो वनवास काट करके और ये दीपावली मनाने का जो मौका मिला है, इस बार जनता मौका नहीं चुकेगी, आप देख लीजिएगा। चुनाव में आप चलेंगे तो आपको क्या लगता है किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि हल्का हो सकता है आपके लिए नया रहा हो, आपके दादाजी तो हल्के से वाकिफ़ थी उनकी और हल्के के लोग उनको जानते थे, आपसे अटैचमेंट कैसे हो पाएगी? देखिए सर्वेश जी, मैं बचपन से अपने दादाजी की उंगली पकड़ के साथ चला हूँ। आज ऐसी हज़ारों फोटोज़ हैं जिनमें जब वो किसी भी स्टेज पर जाते थे या किसी भी ऐसे उद्घाटन के लिए जिस भी कार्यक्रम में, तो आपको कहीं ना कहीं मैं नज़र जरूर आऊँगा। तो शुरू से ही मेरा उनसे जुड़ाव रहा, लोगों का भी मेरे से जुड़ाव रहा, क्योंकि मैं बचपन से उनका लाडला रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं कि लोग मुझे जानते नहीं हैं। एक मेरे साथ मेरे दादाजी का नाम है, ऐसी मुझे कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आने वाली। आप काफ़ी वक्त पहले ही गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, वहाँ रहने लगे, तो आपके दादाजी आदरणीय मक्कड़ साहब की जब देहांत हुआ तो उसके बाद फिर ये समझा गया कि राजनीतिक विरासत को कौन चलाएंगे कैसे किए, तो उसके बाद फिर आप हांसी आए, यही बात है कुछ और है? जी। लोगों ने आपको किस तरह लिया, मतलब आपको रिस्पॉन्स लोगों से कैसा मिलता है? लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब
उनको लगा कि मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है, तो लोगों ने मुझे अपना बेटा समझ करके जिस प्रकार जो प्यार दिया वो आज आपके सामने है कि वही प्यार की ताकत है जो आज मैं इतने मजबूती से होकर के खड़ा हो गया हूँ आज। नहीं तो जो मेरे साथ जो घटना घटी है उससे मैं उभर नहीं पाता। बीजेपी को आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी जो है आज कहती है कि हम ईमानदार की सरकार, हम बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सर्वेश जी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कभी ईमानदारी का काम भी कर सकती है, आगे करेगी। टिकट मांगने आप भी गए थे, कहते हैं लोग बीजेपी की। नहीं देखिए, रूमर्स रहते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं गया। मेरे ऊपर प्रेशर आया कि भी आपको बीजेपी में जाना है आप, वो मुझे बहुत उन्होंने कन्वेंस किया, लेकिन मैं दुष्यंत जी के साथ जो है मेरा दिल मिला हुआ है। उनको मैंने एक ही बात कही थी कि दोनों युवा हैं, आज हरियाणा को हमारे युवाओं की ज़रूरत है, तो दोनों कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। इसी समय ऐसा आ गया जब ना आए दिन ये देखते हैं लोग कि हर आदमी कौन किस पार्टी में जा रहा है, कोई रात को स्विच कर रहा है, कोई दिन में चला जा रहा है, दल बदल जिसको कहते हैं, दल बदल हो रहे हैं खूब, पता नहीं लगता रात को किस पार्टी में सुबह किस पार्टी में हो जाएगा। ये इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप पिछले हफ्ते में आप देखें तो बड़े कद्दावर नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है, एक दर्जन से ज़्यादा। सतपाल सांगवान है वो आपकी पार्टी में जेजेपी में चले गए, मांगेराम गुप्ता है वो आपकी जेजेपी में आ गए, आज एक और बड़े नेता की नलवा से बात हो रही है वो हो सकता है आपकी पार्टी में यानी कि जेजेपी में आ जाएँ। इसी तरह बीजेपी में जाने वालों की पहले लहर थी, अभी जेजेपी में लोग जा रहे हैं। तो ये जो आया राम गया राम हो रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये ठीक हो रहा है, सही नहीं हो रहा है? हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। आज हम जो मुझसे बड़े हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, जो कुछ ऐसा नहीं होता कि सब लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन पार्टी उनको दरकिनार कर देती है। अब जैसे कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे हांसी का है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जो सेवा करते आए हैं, जब हांसी से कुछ भी नहीं होता था, आज देखिए उनको पार्टी ने कैसे दरकिनार कर दिया है और एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसका पूरा शहर विरोध में खड़ा है। तो साक्षात है साहब ये। तो कांग्रेस की टिकट की बात करें तो ओम प्रकाश पंघाल को कांग्रेस ने टिकट दी है, रेणुका बिश्नोई इससे पहले यहाँ पे विधायक थी, सिटिंग एमएलए थी, अभी वो, उनको आप किस तरह देखते हैं? देखिए कांग्रेस की टिकट जो है जैसा सुनने में आ रहा है कि इसमें कोई डील हुई है जैसा कि मुझे बताया गया है। अब इस बात को मैं वेरीफाई नहीं करूंगा आपको, लेकिन जैसा मुझे सुनने में आया है कि इस सीट पर कोई डील हुई है, क्या उनको हांसी से कोई शख्स ऐसा नहीं लगा? हांसी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता जो सदियों से उनके साथ जुड़े आए हैं। जब से आपकी खबर फ्लैश हुई है कि आप जेजेपी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, चुनाव लड़ेंगे, तब से फ़ोन कॉल्स ज़्यादा हो गए हैं निरंतर रूप से। मैं तब से अब तक 3 बार फ़ोन चार्ज कर चुका हूँ और साथ के साथ पावर बैंक के साथ ही मुझे बात करनी पड़ रही है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि लोगों का जो प्यार है, आज उनको एक अपनापन महसूस होने लगा कि आज हमारा परिवार का सदस्य दोबारा, वही परिवार, मक्कड़ परिवार हमारे बीच में दोबारा हमारी सेवा करने के लिए तैयार खड़ा है। तो आज जनता मुझे बहुत आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो ये थे राहुल मक्कड़, और इनका ये कहना है कि जेजेपी ने इन पर भरोसा जताया है, और इनके जो दादाजी हैं अमित चंद मक्कड़, वो 3 बार हांसी के विधायक रह चुके हैं, उसका फ़ायदा ये लेना चाहते हैं। हालांकि ये हो सकता है हल्के के लिए नए हो, लेकिन इनके दादाजी का नाम बहुत पुराना है, हर कोई उनसे वाकिफ़ है। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।